तो हेलो गाइस, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है हमें रेंज फाइंड आउट करना है। और रेंज की डेफिनेशन अपनी क्या होती है? रेंज की अपनी डेफिनेशन होती है, रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विच आर रिलेटेड इन द रिलेशन। दैट मीन्स जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर आपके होंगे उनके सेकेंड मेंबर के कलेक्शन को ही हम लोग कहेंगे रेंज कहेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो डेफिनेशन है वो कहेंगे कि ए क्यूब हमारा सेकेंड मेंबर है। और अगर ए क्यूब आपका सेकेंड मेंबर है, जो ए क्यूब सेकेंड मेंबर है, वेयर ए इज़ अ प्राइम लेस देन फाइव, वो फाइव से छोटा होना चाहिए। अच्छा, तो फिर ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? तो हमें पता है कि ए लेस देन फाइव है, इसका मतलब फाइव इंक्लूडेड तो होगा नहीं, है ना? फाइव नहीं इंक्लूडेड होगा तो क्या क्या हो सकता है? वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है और फोर हो सकता है। ये नेचुरल नंबर से पॉसिबल है, लेकिन क्या ये सारे पॉसिबल होंगे? ना, ये सारे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक और रिस्ट्रिक्शन आपके पास है कि वो प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं प्राइम को, कि प्राइम नंबर आर दोज नेचुरल नंबर विच हैव टू डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। अच्छा, वन के कौन कौन फैक्टर होते हैं, मतलब इसको कौन कौन डिवाइड करता है? सिर्फ वन डिवाइड करता है। टू को कौन कौन डिवाइड करता है? वन डिवाइड करता है और टू इटसेल्फ डिवाइड करेगा ही करेगा। थ्री को कौन कौन डिवाइड करेगा? तो थ्री को वन डिवाइड करेगा और थ्री डिवाइड करता है, दैट मीन्स इसके भी दो फैक्टर हैं। फोर को कौन कौन डिवाइड करेगा? फोर को वन डिवाइड करेगा, टू डिवाइड करेगा और फोर डिवाइड करेगा। फिर हम लोग डेफिनेशन को रिविजिट करते हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि दोज नेचुरल नंबर विच हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो वन के तो सिर्फ एक ही फैक्टर, इसलिए ये प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, टू प्राइम की कैटेगरी में आएगा बिकॉज दैट हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, थ्री आल्सो हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, लेकिन फोर के तीन फैक्टर हैं दैट हैव मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। इसका मतलब इसे हम कंपोजिट कहेंगे, दैट इज़ अ नॉट मेंबर ऑफ द प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो इसका मतलब जो ए के अलाउड वैल्यूज हैं सिर्फ टू और थ्री हैं, ठीक है? तो आगे इसका मतलब कि जो ए हो गया टू और थ्री हो गया, तो ए क्यूब आपका क्या हो गया? टू का क्यूब मतलब एट, थ्री का क्यूब आपका 27 हो गया। अगर इसकी मैपिंग भी देख ली जाए तो मैपिंग क्या है आपका, टू एट को मैप कर रहा है और थ्री 27 को मैप कर रहा है। इसका मतलब अगर हम रिलेशन यहीं पे लिख लेते हैं कि रिलेशन जो हमारा हो जाएगा आर, वो क्या हो जाएगा? रिलेशन जो आर हो जाएगा वो ऑर्डर पेयर 2,8 हो जाएगा और 3,27 हो जाएगा। दीज आर द टू ऑर्डर्ड पेयर विच आर मेंबर ऑफ द रिलेशन, ठीक है? अब हमें यहाँ आंसर लिखना है, तो आंसर में हम क्या करेंगे? तो रेंज जो आर हो जाएगा आपका, ये सेकेंड मेंबर का कलेक्शन है, ए क्यूब का कलेक्शन है, तो 8 हो गया और आपका क्या हो गया? 27 हो गया। तो आंसर में आप क्या रिपोर्ट करोगे? क्वेश्चन तो एक ही मार्क्स का है, तो जो लेफ्ट साइड में है आप उतना ही आंसर में रिपोर्ट करिए। राइट हैंड साइड तो आपको सिर्फ समझने के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं।